हार्दिक पटेल गुजरात के पाटीदार समाज से आने वाला वो नेता जिसने हाल ही में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से लगातार ये कयास तेज हो गए थे कि वे जल्दी ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर वे लगातार चुप्पी साधे रहे। लेकिन आखिरकार अब स्थिति लगभग साफ सी हो गई है और कहा जा रहा है कि 2 तारीख को यानी 2 जून को वे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। गुजरात की राजनीति में बहुत कम उम्र में और बहुत जल्दी एक पहचान कायम करने वाले हार्दिक पटेल ने आखिर उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है जो पिछले कुछ हफ्तों से लगातार गुजरात के सियासी गलियारों में गूंज रहे थे। पिछले दिनों कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद उन्हें लेकर चर्चाएं थीं कि वे बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि इस पर उन्होंने लगातार चुप्पी साध रखी थी और सस्पेंस बना रखा था। इस बीच उन्हें लेकर आम आदमी पार्टी में भी कुछ हलचल दिखाई दी थी और कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की ओर से भी उन्हें शामिल होने का न्योता है। लेकिन अब तमाम कयासों, तमाम चर्चाओं और संभावनाओं पर विराम लगाते हुए खुद हार्दिक पटेल ने साफ कर दिया है कि वे बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से जानकारी आई है कि हार्दिक पटेल ने अब खुद इस बात की पुष्टि की है कि वे बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। इस संबंध में जो जानकारी हासिल हुई है उसमें कहा जा रहा है कि हार्दिक पटेल 2 जून को बीजेपी की सदस्यता औपचारिक तौर से ग्रहण करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले हार्दिक पटेल का बीजेपी में शामिल होना उनके लिए संजीवनी मानी जा रही है। हार्दिक पटेल को हालांकि राजनीति का बहुत लंबा तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन कम समय में ही वे पाटीदार समाज के प्रभावशाली नेता के तौर पर अपनी धाक जमा चुके हैं। हार्दिक पटेल ने अभी हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था जिसमें उन्होंने जमकर भड़ास निकाली थी और कांग्रेस की कमजोरियों, नाकामियों और खुद को नजरअंदाज किए जाने को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। अपने कई पन्नों के इस्तीफे में उन्होंने एक और जहां कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई थी तो उधर बीजेपी शासन, उसकी नीतियों और उसके फैसलों को लेकर उसकी सराहना भी की थी। अपने इस्तीफे में हालांकि उन्होंने बीजेपी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उनका अंदाजे बयां उनके बीजेपी की ओर झुकाव की ओर ही इशारा कर रहा था। अपने इस्तीफे में उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर, CAA NRC का मुद्दा, कश्मीर में आर्टिकल 370 का खात्मा और GST लागू करने से जुड़े फैसलों को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया था। तभी से ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे कि हार्दिक पटेल का झुकाव बीजेपी की ओर बढ़ गया है, लेकिन इसे लेकर वे बिल्कुल मौन बने हुए थे। अब उन्हें लेकर स्थिति लगभग साफ सी हो गई है कि वे बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। उसी बीजेपी में जिसे लेकर कभी उनकी बातों में उबाल नजर आता था, जिसे लेकर वे कभी एकदम आक्रामक मुद्रा में दिखाई दिया करते थे। अब कहा जा रहा है कि गुजरात चुनाव से पहले वे उसी बीजेपी में शामिल होकर उसे मजबूती देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।